दीपिका कभी टीवी में लाना चाहेंगे वापस, मतलब गुरमीत को, कि आप दोनों साथ में किसी शो में देखें या कुछ ऐसा? नहीं, एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि गुरमीत ने जो रास्ता लिया है उसी रास्ते पे आगे बढ़ते रहे ब्लिंकर्स पहन के, और बिल्कुल पीछे मुड़ के देखने की नौबत नहीं आए. और मैं हूँ उसके साथ, घर पे जितना मिलती हूँ तो काफ़ी है. इनफैक्ट जितने सारे शोज़ हम लोगों ने साथ में किया उसमें हम बेइंतहा लड़े हैं, और हर बार हम दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया, आखिरी बार है हाँ, हम इसके बाद तुम्हारे साथ शो नहीं करूँगी. और मतलब हमारी जितनी लड़ाई हुई आई थिंक, और एक बार तो किसी डायरेक्टर ने हमें बोल भी दिया था कि योर ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री सो मच बेटर देन योर ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री, क्योंकि आप दूसरे एक्टर को जिसको आप नहीं जानते हो उसको आप कोई ज्ञान नहीं देते हो, क्योंकि सोचते हो ठीक है वो इस सीन को इस तरीके से करे करे, मुझे क्या लेना देना. सो एवरीबडी गिव्स इन दिस थिंग, लेकिन जब हम दोनों साथ में करते ये भी मुझे ज्ञान का पिटारा बांटने लगता, और मैं भी लगती हूँ कि तुम मुझे क्यों बोल रहे हो, अच्छा तुम अभी ये सुनो, तुम आगे क्यों बढ़ो, एक कदम थोड़ा दो कदम पीछे चलो. सो आई थिंक वो जो घर पे है ना वो काफ़ी है, अब फिर से उसको हम लोग स्क्रीन पे तो दोहराना नहीं चाहेंगे. एक्चुअली उसमें विकास और शिल्पा दोनों ही हमारे दोस्त हैं, और उन लोगों के लिए ही स्टार्टिंग में देख रही थी, एंड आई थिंक बोथ ऑफ देम आर प्लेइंग द बेस्ट गेम. दोनों स्टार्टिंग में लड़ रहे थे और बोथ ऑफ देम आर प्लेइंग द बेस्ट गेम, और दोनों में से कोई एक विनर तो ज़रूर होने जा रहा है. सो इट्स ओके, हम लोग तो मैं तो देख रही हूँ, जब भी मौका मिल रहा है देख रही हूँ. इसको इतना बिग बॉस का हैंग नहीं है, रादर टेलीविजन का ही हैंग नहीं है, तो गुरमीत उतना नहीं फॉलो कर रहा है, पर ऑब्वियसली गुरमीत दोनों को जानता है. कोई फेवरेट्स हैं आपके? मतलब विकास, विकास इज प्लेइंग अ वेरी गुड गेम, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और इनफैक्ट बहुत अच्छा खेल भी रहे हैं. और यस, एक्चुअली कल रात को ही मैं देख रही थी और मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ कंपनी का एक होता है ना, मैंने जैसे आर्मी का कि तुम उधर जाना लड़ने के लिए, दो सैनिक लेके उधर तैनात रखना रहना, और तुम पीछे से इधर से ब्लास्ट करना, मुझे ऐसा लगा बिल्कुल एकदम ज्योग्राफिकली हिसाब करके खेल रहे हैं विकास. इस तरीके से खेलते हुए शायद मैंने दूसरे लोगों को देखा नहीं है, तो इतने कैलकुलेटिव, इतना डिफरेंट एज मास्टरमाइंड बोलते, पर मुझे ऐसा लगा कि दिस इज़ इंटरेस्टिंग, इट्स लाइक ए बिजनेस स्ट्रैटेजी. मतलब स्ट्रैटेजी करते हैं ना, तुम दरवाजे के पीछे खड़े रहना, जब दो सैनिक वहाँ से चला जाएगा फिर तुम निकल. आपने गलत सवाल देविना से पूछ लिया, बिग बॉस के बारे में दो घंटे भी बैठ के बात कर सकती हैं. नहीं मैं इतना नहीं देखती हूँ. एक्चुअली अगर परेशान नहीं करती तो शायद विकास का जो क्या बोलते हैं अंदर का छुपा हुआ ये जो चीज़ था वो बाहर नहीं आता. तो एवरीथिंग इज़ अ मैटर ऑफ देयर एक्शन एंड रिएक्शन. वो एक्शन उसको मिला है बोल के ही शायद उसका पर्सनालिटी इस तरीके से खिल के बाहर आया. सो आई थिंक एवरीबडी इज़ प्लेइंग अ गुड गेम, और जो होता है अच्छे के लिए होता है. फॉर ऑल द गरमा गरम बॉलीवुड गॉसिप न्यूज़ एंड मोर, डाउनलोड द ज़ूम ऐप नाउ.